जैविक कृषि प्रसार में लगी बरगढ़ कटापाली अग्रणी चाषी सुदाम साहू हजि हजि जाउथुबा देशी बिहन गुड़ी खोजी साइति रखा दिगरे आरंभ करिछंती मिशन एथिपाय निजर एक घर को देइछंती संग्रहालय रूप कठिन श्रम और आग्रह फलस्वरूप एबे तांको निकटरे रही पारिछि 35 प्रकार नुआ प्रजातिर धान 4 प्रकार मुग और 40 प्रकार पनीपरिया बिहन सांगकु मोट 1100 प्रजातिर देशी बिहन ए सबु बिहन गुड़ी से माटी हांडी और प्लास्टिक डब्बा गुड़ी करे साइति रखिबा सहित यार उपादेयता को नहीं चाषी को प्रशिक्षण एवं सचेतन करुछंती कटापाली जने बासिंदा शांतनु दास कहंती सुदाम जने आगधाड़ी जैविक चाषी से अनेक तालीमदाता तैयारी करिछंती कम खर्चे कृषि किभली अधिक लाभ दे पार से दिगरे चाषी को मार्गदर्शन करती जने महिला चाषी कहती जैविक चाष आम माटी और मनीष स्वास्थ्यप अत्यंत प्रभावी से सब बेले चेष्टे लगी चाषीर केमी कम खर्च हेब ऑर्गेनिक मेथड रे चाष कर अधिक बेनिफिटेड हे एपाई से काम कर गाँव रुहे देश जे गर्व गौरव अटंती आम गर्वित आउ से अनेक गुड़े ट्रेनर सृष्टि करोपाई आज जिले में जिला बाहर भी अनेक लोक ट्रेनिंग दे कि चाषी को डेवलप मार्ग में नहीं चली आउ आगामी दिन में से धान बिक्री ठारु आरंभ कर चाषी को मार्केटिंग पर्यंत सब जिनस चाषी को हेल्प करके आसुं आउ ये काम को से लंबा समय पर्यंत कंटिन्यू करूँ आउ चासी बेनिफिटेड हूँ सुदाम दा जेनटा कि आमको ट्रेनिंग देचन ऑर्गेनाइजर हिसाब से जैविक हिसाब से भल है आउ देसी बिहान हिसाब से बहुत भल है आउ जैविक हिसाब से जदि आम चाष करमा आमर कैंसर प्रति डर ना थे आउ रासायनिक चाष ना कर जैविक चाष करमा आर आउ धान इहादे आमर जेन बिक्री प्रोब्लेमटा भी जेन होचे सेटा भी आमको ये जैविक हिसाब से कले सुविधा हवा जेने कि हमें से चावल के बनी के भी बाहर बिकी पार मा से चावल समस्त खेले भल भी हवा नुआ उपाय रे करा जाउ छि चास बिहन बुनिबा बदल रे धान सिंसा रोपित होउ छि पूर्वरु जमि रे हळ करा जिबा सहित पानी मडा जाय छि निजर पत्नी ओ कुनी झियो को साथी रे नै प्राकृतिक कृषि रे माटी छथि सुदाम खेतमुंडरे जीवामृत प्रस्तुत करिबा सहित कीटनाशक बदल प्रयोग कृषि को विषमुक्त करने आभिमुख्य नहीं से जमीन में रासायनिक सार बदल प्रयोग करेसी खत एमल होता फसल और बिहन चाहिदा बढ़िबार लगी सुदाम कहते 2001 आरंभ कर देशी बिहन सुरक्षा प्रयास 2007 मोर निशार परिणत हो मो पाखे एवं 16 प्रकार विरल कलाधन बिहन रही सेपरी थरे खाइले दिन सारा भोक हेउन थिबा ताळमूळी प्रजाति सहित मरुड़ी सहणी बढ़ी सहणी रोप और पोक सहणी गुण थिबा बिहन साइति रखी मो रजार प्रेरणा पाइकरी बिहन संग्रह आरंभ करी आउ गोटे आमर बनारस गोटे प्रोग्राम होता किशन पट्टनायक से बिहन मरुड़ी बोलकर गोटे शब्द यूज करते सीटा मत बहुत हार्ट टचिंग लगी मोर गोटे यहाँ लगे मुझे बिहन संग्रह करमी कारण बिहन मरुड़ी कथा ही उठी तार उपर जो वक्तव्य रखी थे मतलब बहुत ये इम्प्रेस कर तार बाहर बाहर 2007 गोटे सौग्रे करूँ पहलू 7 तो 2007 निशारे परिवर्तन होगा आम गोटे नारे काम कलु नाराटा हूँ विषमुक्त शस्य ऋणमुक्त चाषी आत्मनिर्भरशील कृषि इतने के नहीं आम तेने काम आरंभ कलु जो 2007 नुआ गोटे भेराइट मुझे बाहर कली सुनाहरिण से टाइम तेने बहुत चाष कर दिया है बहुत पपुलार होगा धीरे धीरे जेन बिहन संग्रह है 2012 तक आस आस 900 भेराइट होगा धीरे धीरे तेरे एवं आस मोर पाखे 1100 भेराइट है
ଆଗକେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛେ ଯେ ଏବେ ବରଗଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସରର ଗଡ଼ ବୋଲିକରି ଆମର ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲାନ, ବୋଲେ ବରଗଡ଼ ସହରକେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକରି ଆମେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ର, ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଟି ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛନ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହେଲେ ଏୱାରନେସ୍ ବି ବଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସର ବାକି ଯେନ୍ ଡିଜିଜ୍ କିଏ ପୁରା ମୂଲପୋଚ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପଣ ଧରିଛୁ, ଯେନ୍ ସଂଘର୍ଷ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ, ତାହାକେ ଆଗକେ ରଖିକରି ଆମେ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ବରଗଡ଼ର ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେନ୍ମାନେ କି ଆମକୁ ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାହେଲେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍। ଗୁଣାତ୍ମକ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସୁଦାମ ଏବେ ଏକ ପରିଚିତ ନାଁ, ଦେଶ ଭିତରେ ଓ ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିସମର ଧାନ ଜୈବିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଟାପାଲି ଗ୍ରାମର ସୁଦାମ ସାହୁ। ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ଯୁବକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।